इस बजट में एमएसएमई में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है। हेल्थ सेक्टर पर भी हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, जो लगभग 137% है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रोडवेज पर भी 1,10,000 करोड़ रुपये के लगभग का हमने बजट का प्रावधान किया है, और रेलवे पर भी लगभग 1,10,000-15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उस पर भी किया है। ये बजट जो है ये व्यक्तियों के लिए हो, निवेशकों के लिए हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और हमने कुल मिलाकर ये प्रयास भी किया है कि स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा प्राथमिकता दी है, जिला स्तर पर हो, वेलनेस सेंटर हो, हेल्थ सेंटर्स हो, उनको और सुदृढ़ करने का हम काम करने जा रहे हैं। इसीलिए 137% की उसमें वृद्धि भी हेल्थ बजट में की है, और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया। और माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी हम और भी इसमें प्रावधान करेंगे। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल दो लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर किसान छोटे उद्योग को धोखा दिया, और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। जो चीजें देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवश्यक थी उनकी चर्चा तक वित्त मंत्री ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा, डिफेंस बजट में एक फूटी कोड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5-10% तक पहुंच गया है, ये निवेशकों के लिए और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। मुझे लगता है शायद बजट ना उन्होंने ढंग से सुना ना उन्होंने ढंग से पढ़ा। जब तक चीन की वो बात करते हैं शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ठ संबंध रहे। ये भी कहना उचित है कि प्रधानमंत्री अगर देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं जिसमें देश के प्रतिनिधि बन के वो देश की फौज को ये कहते हैं कि उत्सव के माहौल में हम भी बॉर्डर के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे देशव्यापी कहीं ना कहीं एक धारणा या फिर एक फीलिंग को व्यक्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं उसकी अवहेलना अगर राहुल गांधी करते हैं तो मुझे लगता है बड़ी बचकाना पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है हर देशवासी को गर्व होता है, उत्सव का माहौल वो होता है, दिवाली का पर्व वो होता है जिसमें हर देशवासी अपने परिजनों के साथ होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे लिए सरहद पे खड़ा वो सैनिक मेरा परिवार है तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति निश्चित रूप से उनसे होती है, उनकी होती है जो ओछी राजनीति में विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री राहुल गांधी।